नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। आज मैं शेयर करने वाली हूँ तोरी की मसालेदार पूरी, जिसे कि बनाना बड़ा ही आसान है। इसे आप एक बार बनाइए, चाहे तो आप ब्रेकफास्ट में खाइए या चाय के साथ खाइए, और अगर सफ़र में जा रहे हैं तो सफ़र में भी इसे साथ ले जा सकते हैं। ये 3 से 4 दिन तक सफ़र में खूब अच्छे से चल जाएगी, ख़राब नहीं होगी, और ये सिर्फ 5 मिनट में बन के भी तैयार होगी। तोरी की सब्जी तो आप सबने खूब खाई होगी, लेकिन तोरी की पूरी कभी नहीं खाई होगी। तो एक बार ये पूरी बनाएंगे तो इसे आप बार बार बनाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है। तो इसके लिए हमने ली हुई है 3 ताज़ी वाली तोरी। तोरी एकदम ताज़ी होनी चाहिए। तो हमने 3 तोरी को खूब बढ़िया से, सबसे पहले इसे छील लिया हुआ है, धुल के साफ़ करने के बाद इसे हम मोटी वाली साइड से कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस की सहायता से तो तीनों तोरी को खूब बढ़िया से कद्दूकस कर लेंगे। अब तोरी को कद्दूकस करने के बाद इसका हम पानी वगैरह नहीं गाड़ेंगे, इसके अंदर डायरेक्ट ही डालेंगे 1/2 कटोरी सूजी, और इसके बाद डालेंगे 1 कटोरी आटा, इसके बाद डाल देंगे 1/2 कटोरी हरी कटी धनिया की पत्ती, साथ में 1 पिंच हींग डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा साबुत डालेंगे, और साथ में थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे, और 1 चम्मच डालेंगे सफ़ेद वाली तिल। इसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। इसके अंदर हम मोयन वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, और इसे खूब बढ़िया से मिक्स करेंगे। और इसे खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका हम एक कड़ा सा डो तैयार करेंगे। तो पानी हम इसके अंदर बिल्कुल ही हल्के हाथों से डालेंगे, बहुत थोड़ा सा डालेंगे। इसके अंदर पानी बहुत कम मात्रा में लगेगा, क्योंकि जो तोरी हमने कद्दूकस की हुई है तो तोरी का अपना ही पानी होता है। तो इस तरह से बहुत थोड़ी मात्रा में पानी डालने पर भी ये खूब बढ़िया से इसका डो तैयार हो जाता है। तो इसका अच्छा सा डो तैयार हो गया, और इसके बाद हमने 1/2 चम्मच घी डाल करके इसे खूब बढ़िया से इसके आटा को चिकना करेंगे। इसका आटा हम बहुत बढ़िया से ही चिकना करेंगे, तभी इसकी पूरी खूब बढ़िया से बनके तैयार होगी। तो आप देखेंगे कि बहुत ही कम पानी में इसका डो काफ़ी अच्छे से तैयार हो गया। तो एक बार फिर से हम इसे 1 चम्मच तेल डाल करके चकले पर बेलने के पहले इसको फिर से चिकना कर देंगे, फिर इसकी लोई सी काट लेंगे। जितनी बड़ी पूड़ियाँ चाहिए उस हिसाब से हम इसकी लोइयाँ तैयार कर लेंगे। तो एक बार में सारी लोइयों को काट करके इसे हम बेलेंगे। तो इसे हम घी के सहारे ही बेलेंगे, इसमें हम आटा वगैरह डस्ट या बर्तन लगा करके नहीं बेलेंगे। तो इस तरह से हम सारी पूड़ियाँ एक बार में 4 से 5 बेल बेल करके तैयार कर लेंगे, फिर इसके बाद इसे फ्राई करेंगे। हम सब तोरी की सब्जियां तो खाते ही रहते हैं, लेकिन तोरी की पूरी कभी नहीं खाई होगी, पूरी या पराठे। लेकिन बच्चे तो तोरी खाना भी पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरह से बच्चों को अगर आप पूरी बना करके देंगे तो कब वो तोरी खा गए उन्हें पता भी नहीं लगेगा। तो दूसरी साइड इसे फ्राई करने के लिए हमने तेल अपनी कढ़ाई में गर्म किया हुआ था, और तेल को हमने हाई फ्लेम पर ही गर्म किया हुआ है, और इस तरह से एक एक डाल करके हम इसे फ्राई करेंगे। इसे हम गोल्डन होने तक अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। तो देखा आपने कितनी जल्दी 5 मिनट में तोरी की पूरी बनके तैयार हो गई है। इस तरह से एक एक पूरी जो जो तैयार होती जाएगी, इसे हम निकालते जाएंगे बाहर और दूसरी पूरी डालते जाएंगे, और फिर थोड़ी सी इसे हम खस्ता करने के लिए लास्ट में आँच को धीमी कर देंगे, जिससे कि खूब बढ़िया से करारी सी बन सके। तो इसे हम शुरू की आँच को हाई रखेंगे, इसके बाद लो करेंगे। इसे हम हाई टू लो फ्लेम पे ही पूरियों को तलेंगे। तो ये पूड़ियाँ खूब अच्छे से तल के तैयार होंगी, बिल्कुल ही क्रिस्पी क्रिस्पी सी। दोस्तों, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब भी आप तोरी की पूरी बनाते हैं तो तोरी को कद्दूकस करने के बाद आप चाहें तो उसके पानी को तो निकाल सकते हैं, उसे निचोड़ करके छान के कद्दूकस किए हुए तोरी को। लेकिन हमने तोरी का पानी नहीं निकाला हुआ है, क्योंकि इसी के अंदर में सारी विटामिन्स होती है। तो तोरी का पानी छान देने से इसकी विटामिन्स निकल जाती है, और इसका आटा लगाने में नाम मात्र का ही पानी लगता है, क्योंकि तोरी के पानी के सहारे ही इसका डो बन के तैयार हो जाता है। इसमें ज़्यादा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इसे ब्रेकफास्ट में चाहें तो दही के साथ, चटनी के साथ और अचार के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने ब्रेकफास्ट की थाली तैयार की हुई है, इसे दही चटनी और अचार के साथ में इसे हमने सर्व किया हुआ है।
आप इसे यूं भी खा सकते हैं, चाहे तो आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। इसके साथ खाने के लिए किसी सब्जी वगैरह की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो कितनी बढ़िया क्रिस्पी सी पूरी बनके तोरी की तैयार हुई है। इसे तोरी न खाने वाले भी खूब चाव से लेकर के खाएंगे और ये बिल्कुल ही कम टाइम में बनके तैयार भी हो जाती है फटाफट से। तो दोस्तों, आपको मेरी तोरी की पूड़ी की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसे जब भी सफ़र में ले जाना हो तो इस तरीके से अचार के साथ आप इसे डब्बे में रख के ले जा सकते हैं। तो मिलती हूँ फिर किसी और रेसिपी के साथ। थैंक यू।